पिछौर ग्राम बूथ शक्ति केंद्र के बारे में सांसद केपी यादव जी ने सभी बूथ प्रभारियों को मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देकर सभी बूथ प्रभारियों को 20 जनवरी से 30 जनवरी तक अपने अपने बूथों में 10 घंटे काम करने की अपील की है। सभी कार्यकर्ताओं से इसी बीच सांसद जी को पिछौर विधानसभा से हारने का दर्द महसूस किया गया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि अगली विधानसभा और लोकसभा को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से वचन लिया गया है। इस बीच कई ग्रामीण क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं ने फूड विभाग के प्रशासक पर गंभीर आरोप लगाए। तभी सांसद ने सभी को आश्वासन दिया कि जल्द ही टीम बनाकर राजू बाथम और जिले के अन्य सभी पदाधिकारीगण, चारों मंडल के अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, सभी बूथ प्रभारी, सभी भाजपा कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे। देखिए, ये श्रद्धेय कुशाभा ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है कि हमारे पूरे प्रदेश में 20,000 बूथ विस्तारक निकलेंगे, जिसमें कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी होंगे, सभी मंत्रीगण होंगे, सभी सांसद, विधायक, सभी कार्यकर्ता, ऐसे 20,000 कार्यकर्ता 65,000 बूथों पर जाएंगे, जिससे कि हम डिजिटलाइज कर सकें लोगों की जानकारियां। एक ऐप ही हमने पार्टी ने लॉन्च किया है, जिसमें कि हमारे सारे कार्यकर्ताओं की, जो हमारे बूथ विस्तारक होंगे, जो हमारे पन्ना प्रभारी होंगे, जो हमारी समितियां होंगी, उन सबको डिजिटलाइज करें, उनका नाम वगैरह सब लिखें, और इसके साथ साथ पार्टी का विस्तार कैसे हो, तो उस बूथ पे हमारा कार्यकर्ता कैसे बढ़े, जो भी व्यक्ति हमारी भावनाओं को लेकर चलता है, जो हमारी रीति नीति से वाकिफ रखता है, ऐसे लोगों को पार्टी में और कैसे जोड़ा जाए, कैसे की वोटर्स को पार्टी से जोड़ा जाए, इसके लिए हम सभी लोग निकलेंगे और पार्टी का और विस्तार होगा। इससे संसद जी, अभी कुछ लोगों ने आपसे फूड विभाग के बारे में शिकायतें की हैं, तो ये जैसे कई महीनों से राशन नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ जहाँ की अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं, उन पर कार्रवाई होती रही है और आगे भी उन पर कार्रवाई होगी।